नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गरीबों का आवास का मुखिया करते हैं ठेकेदारी, बाद में दिखाते हैं दादागिरी। मनातू से अनिल कुमार की रिपोर्ट। मनातू प्रखंड पंचायत मझौली के ग्राम रब्दा में पुष्पा कुमार पिता राजेश भुइया का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था, जिसका PMAYED नंबर JH1277452 है। इस प्रधानमंत्री आवास योजना का शासन ऑर्डर 2016-17 में हुआ था। बताते चले कि पुष्पा कुंवर एक गरीब परिवार से आती है। इसके पीछे सहारा देने वाला कोई भी नहीं है, या एक अत्यंत गरीब परिवार से विलोम करती है। मझौली पंचायत की ही मुखिया गोपू सिंह ने पुष्पा कुंवर को अपने झांसे में लेकर एवं बहला फुसला कर प्रधानमंत्री आवास योजना को ठेकेदारी के तौर पर लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना को बनाने के लिए वादा किया था, लेकिन मुखिया ने स्वयं सेवक, पंचायत सेवक, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के मिली भगत से दीवार को खड़ा करके आवास को पूर्ण करवा दिया जाता है और लाभुक से पैसा निकलवा कर मस्ती कर रहे हैं। लाभुक पुष्पा कुंवर ने मुखिया को घर डालने के लिए कहने जाती है तो मुखिया डांट कर भगा देते हैं। इन्हें बोलने वाला कोई नहीं है। सही में एक कहावत है कि गरीबों के हक मारने वाला को एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। मनातू ब्लॉक से लेकर पंचायत स्तर तक के सभी पदाधिकारी के मिलीभगत से दूसरे के नाम से ढाला हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम सामने खड़ा होकर और जियो टैग करवा कर आवास को पूर्ण कर दिया जाता है। पुष्पा कुंवर एक खपरेल के मकान में रहती हैं, उसके पीछे कोई नहीं है, एकदम बेसहारा है, किसी तरह अपना जिंदगी गुजर बसर करती हैं। पुष्पा कुंवर को कहना है कि खाता में जैसे ही पैसा आता है हमको घर से बैंक ले जाकर पैसा को निकलवा लेते थे। मेरा आवास आए हुए 3 से 4 साल हो गया, लेकिन मुखिया मेरा आवास नहीं ढाल रहे। हम मुखिया को 3 साल से बोल रहे हैं, लेकिन मुखिया कहते हैं कि ढाल देंगे। मुखिया ने लाभु को आश्वासन देकर एवं डांट कर भगा देते हैं। अखिल भारतीय भुइया संघर्ष समिति पलामू जिला अध्यक्ष राजू भुइया, उपाध्यक्ष सुनील भुइया, पूर्व सांसद प्रभात भुइया, जिला सदस्य प्रदीप भुइया, उप विकास आयुक्त पलामू, उपायुक्त पलामू से मांग करता हूं कि गरीब विधवा का घर डलवाया जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया जाए। मामला क्या है? मतलब मामला क्या, कुली कांड ढले आप? कुली जो सुपर देखे हैं, आगे सोचे ऐसे मतलब सेटिंग कर दे थोड़ा सा, आगे सोचे सेटिंग करके। कौन की सेटिंग? आगे सोचे थोड़ा थोड़ा करके इका जे देखो ही आगे सोचे मतलब कि सेटिंग हो रहा है। हम जा रहे हैं, पैसा नहीं, अति पैसा चलिए निकाल दीजिए, हम ढाल देंगे। के बोले से? अथी गोपू सिंह। कौन है गोपू सिंह? मुखिया गोपू सिंह। मुखिया हैं? क्या बोले थे मुखिया जी? कि पैसा निकाल दीजिए और हम ढाल देंगे। तो 1 लाख सब ले, तो ले लेथिन सब पैसा। और ये नरेगा वाला पैसा हाल है से हम नरेगा वाला पैसा मतलब नहीं ढाल लेथिन, तो नरेगा वाला पैसा आयल है, तो नरेगा वाला हम पैसा 13,000 की कितना तावन है से हम खाली पैसा निकाल ले हुए, तो नहीं ढाल लेती तो गोसा के मारे हम नहीं दे ले हुए। तो फिर क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी कुछ बोलते नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। और अब का होते, 3 साल हो गए तो अब का होता है? हाँ अब का तो होता है, आगे सोचे इसमें क्या चाहते हैं? इसमें क्या चाहते हैं आप? हम कहा चाहबे, अब ढालते ना थी तो गरीब आदमी कहाँ का करे जब हम लड़े पार भाई, उनका बड़का आदमी है तो हम लड़े जब भाई लड़े पार भाई से बात ने धमकाते हैं क्या? तब पर भी हम कह लिए कि 13,000 निकाले, 13,000 अपन ले लो, तब पर भी हम ढाल दऊ 13,000 हमारे बाबू के सुकमा कमा के दे दी, ढाल दो हमारे घर हाले के पैसा ले लिए ना भाई, अलस्तर पर छोड़ू हम करब चाहे ना करब, ढाले पर पैसा निकाल लिए तू बोला हमारा देवे ने धमकाते भी हैं क्या? ढालबे ने ढाल दऊ क्या बोलते हैं, धमकाते हैं क्या? ना धमका वाला कुछ ना, अरे जाइए ना हो जाएगा, कभी जाए तो न घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो डेली डेली वो ऐसा दरबार में कौन देता? डांट के भगाते हैं नहीं जाइए ना होगा ने, अखबार काल रहते हैं तो फिर अथी 13,000 निकाल ले लिए, कहीं नहीं
अठिया में रेगवा वाला कितना आवा हले तो उहे पैसा निकाल ले लिया तो उहे में कि फिर एक बार आप टोक ली तो कहते थे कि नहीं से अथी हमको दीजिए अथी उहे कर ली तो अब 19,000 का के देवा से हम बोल ले लिया 13,000 कोली में कितना पैसा लिए थे कोली करने में सब पैसा मतलब कोली करने में कितना पैसा लिए थे मुखिया जी मुखिया जी सब पैसा हम कहाँ 1 रुपया ना खाली जाल थे साइन ठे पकड़ावा कि मना का पर आओ ले पैसा अब का सबसे आगे ढालेंगे सबसे पीछे अलग से देखिए सबके ढला गया उसमें कुछ नहीं बोले आप बोल लिए कई बार बोले लगाती है बड़का आदमी से एक दो बार बोल पाए डर लगता है आपको डर लगता है आपको क्या नहीं डर लगी अब नहीं कहे थे तीन जगह ढाल रहते ना ढाल लेते हैं सबको देखिए कि आगे पीछे सबके होले से ढला गया गाली भी दें का गाली गुलौज किया क्या ना गाली गुलौज ना थी कर ले अब आगे पीछे कोई गाली गुलौज करते वो करका जाने के लिए मगर मुंह पर गाली गुली ना थी दिले नहीं पैसा मतलब थे डांटते हैं नहीं डांट के भगाते हैं हाँ जाइए ऐसे ढलाएगा ने ऐसे पैसा दीजिए 19,000 रुपया से ठीक है ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन लाइन न्यूज MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे आयुष्मान योजना के हकदार प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नवादा मोड़ दुर्गा मंडप के सामने गढ़वा झारखंड रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है 9031474750 पर संपर्क करें